कोका में हुए हत्याकांड में मृतक चंद्रशेखर के परिजनों को न्याय दिलाने विश्व हिंदू परिषद द्वारा पिछले 8 दिनों से धरना और भूख हड़ताल की जा रही थी, जिसका समापन मंगलवार को महापौर परिषद के सदस्य संदीप निरंकारी ने भिलाई नगर के अध्यक्ष राजीव चौबे को पानी पिलाकर कराया। शासन द्वारा मांगे पूरी किए जाने के पश्चात इस धरने और भूख हड़ताल का समापन किया गया। कोका निवासी मृतक चंद्रशेखर के परिजनों को मुआवजा के साथ परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिए जाने की मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद भिलाई नगर के अध्यक्ष राजू चौबे के नेतृत्व में स्मृति नगर में पिछले 8 दिनों से धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल जारी था। शासन द्वारा मृतक चंद्रशेखर ठाकुर के परिजनों को 5 लाख रुपए मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को कलेक्टर दर पर नौकरी दिए जाने की घोषणा के उपरांत धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल समाप्त किया गया। धरना और भूख हड़ताल को समाप्त करवाने महापौर परिषद के सदस्य संदीप निरंकारी प्रदर्शन स्थल में उपस्थित हुए। यहां उन्होंने राजीव चौबे सहित मृतक के परिजनों से चर्चा की और शासन के आदेश की कॉपी को दिखाया। संदीप निरंकारी की परिजनों से हुई चर्चा के उपरांत संदीप निरंकारी ने विहिप के अध्यक्ष राजीव चौबे को पानी पिलाकर उनकी भूख हड़ताल को समाप्त कराया। महापौर परिषद के सदस्य संदीप निरंकारी ने कहा कि अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी करने को लेकर परिजनों द्वारा जो मांग की जा रही है उसे पूरा किया जाएगा। तो मृतक परिवार सुंदर नगर कोका में जो एक बहुत ही दर्दनाक घटना हुई, उस घटना में जो मृतक चंद्रशेखर जी हैं उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने महापौर जी के प्रतिनिधि के रूप में मैं यहाँ आया हूँ। और एक घोषणा मुख्यमंत्री जी ने, परिवार का दुख तो दूर नहीं कर सकते, पर जो संबल प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने ऋतिका की पत्नी को कलेक्टर दर पर नौकरी एवं 5 लाख की घोषणा की, तो वो घोषणा का पत्र जो है मैं यहाँ पे देने आया था। और परिवार के दुख के साथ पूरा कांग्रेस सरकार, कांग्रेस पार्टी, हमारे महापौर जी, हमारे जिला अध्यक्ष के चंद्राकर जी, विधायक देवेंद्र यादव जी, सब हम उनके साथ हैं। और इस संवेदना व्यक्त करने के लिए जब मैं आया तो राजीव चौबे जी भी जो एक चाहते थे कि एक घोषणा हो और वो हो, तो उन वो भूख हड़ताल पे थे, तो उनको भी पानी पिलाकर भूख हड़ताल को ख़त्म किया। परिवार संतुष्ट है 5 लाख की घोषणा और कलेक्टर दर पे नौकरी होने से, और परिवार का दुख तो कोई कम नहीं कर सकता, लेकिन जितना हम लोग सहभागी बन सकते हैं उतना हम लोग सहभागी बन रहे हैं, उनके साथ खड़े हैं। उनका कोई भी और भी एक मांग वो बता रहे हैं कि पूरे आरोपी नहीं पकड़ाए हैं, कुछ आरोपी जो हैं, तो उनको कहा गया है कि अपना वो प्रतिवेदन दे दें एसपी साहब को, और एसपी साहब से बात करके उसकी विवेचना को और अच्छे ढंग से करा के अन्य कोई आरोपी होंगे तो उनको भी सख्त से सख्त सजा दिलाने की कोशिश करें। मृतक चंद्रशेखर के भाई युगल किशोर और पत्नी सावित्री ने भिलाई नगर विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष राजीव चौबे का आभार जताते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी। मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा अपना विश्व हिंदू परिषद और एवं बजरंग दल और मेरे समाज के भी, अपनी श्री रविंद्र राजू सिंह चौबे जी को, जो इतना मेरे इस दुखद घड़ी में अपना साथ दिए। और प्रशासन की तरफ से तो अभी जो मांगे किए थे उसमें से श्री पासवासन के तौर पे एक पत्र मिला है मुझे, और उससे मैं संतुष्ट हूँ अभी। ये बहुत इसे बहुत आसानी हुआ इस लड़ाई में लड़ने के लिए, और विश्व हिंदू परिषद बहुत मेरे कंधे से कंधे मिला के खड़े रहे, मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करूँगा। मेरी मांग ये है कि मेरे पति के जो अपराधी हैं उसको सजा भी मिलना चाहिए। दो लोग पकड़ाए हैं और कुछ लोग और हैं वो नहीं पकड़ा है। जो दो लोग पकड़ा है उसको फांसी होना चाहिए, और जो नहीं पकड़ा है उसको आजीवन कारावास होना चाहिए। और मेरी दो 5 बच्चे हैं, उसकी दो लड़कियों की तो अभी तबीयत खराब है, तो उन दोनों को मैं मतलब पूरे मेरे बच्चों को मेडिकल सुविधा मिलना चाहिए और मेरे बच्चों को शिक्षा भी मिलना चाहिए। अभी मिला है बस मुआवजा बस मिला है और नौकरी का 5 लाख 5 लाख मुआवजा और नौकरी का बस। विश्व हिंदू परिषद भिलाई नगर के अध्यक्ष राजू चौबे ने धरना और भूख हड़ताल के समापन को लेकर जानकारी दी। जी, परिवार उनका संतुष्ट है, शासन के द्वारा जो घोषणा हुई है कि शासन की तरफ से महापौर नीरज पाल के प्रतिनिधि के रूप में संदीप निरंकारी जी आए थे और उन्होंने बताया, एक पत्र दिया है विभागीय अधिकारी को, एडीएम दुर्ग का एक पत्र है जिसमें उन्होंने 5 लाख रुपए की राशि से परिवार को और उनकी पत्नी को कलेक्टर दर पर नौकरी की घोषणा की है। तो परिवार संतुष्ट रहता, हम भी संतुष्ट हैं, लेकिन उस बात जो एक रह जाती है
इस घटना में संलिप्तता जो है वो 8 से 10 लोगों की थी, जैसा कि परिवार से सूचित है। तो बाकी परिजनों का बयान दिया जाए और शेष बच्चे दोषियों के ऊपर भी कार्रवाई हो, उनकी भी गिरफ्तारी हो। विवाद जो है उसकी शुरुआत ही महिला से हुई थी। एक महिला और पुरुष अश्लील हरकतें करते हुए इनके घर के सामने पाए गए थे, जिनको इसने रोका था, युवल किशोर। इसको इतना मारा गया, ये नीचे गिर गए, इनको बचाने के लिए इनके भाई चंद्रशेखर आया, उनकी मृत्यु हो गई। वो महिला लगातार इनसे उज्जत कर रही थी, बदतमीजी कर रही थी। इनका कहना है कि मैंने अपने बयान में इस बात को बताया, लेकिन FIR में लिखा है कि महिला बीच बचाव कर रही थी। युवल किशोर का कहना है कि मैंने ऐसा कहा नहीं, बीच बचाव कर रही थी, महिला ही उज्जत कर रही थी। तो जहाँ तक की विधि का मुझे ज्ञान है, उस महिला के ऊपर यदि उसने हाथ नहीं भी उठाया तो 120B के तहत आपराधिक षड्यंत्र की धारा बनती है, कार्रवाई होनी चाहिए। बहरहाल मांगे पूरी होने पर धरना और भूख हड़ताल तो समाप्त हो चुकी है, लेकिन स्मृति नगर में देर रात तक खुले होटलों और असामाजिक तत्वों की सक्रियता की वजह से कभी भी कोई बड़ी घटना होने का अंदेशा यहां बने रहता है। पुलिस प्रशासन को इसे गंभीरता से लेते हुए ऐसे असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई किए जाने की जरूरत है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे।